ऐ जवान, अल्लाह ताला की बंदगी तेरे पास कहाँ है? तू हकीकी बंदगी और सच्ची गुलामी हासिल कर और अपने तमाम कामों में किफ़ायत इख्तियार कर, खुदा ही को काफ़ी समझ ले। तो अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम है, उसी की तरफ तुझे वापस होना है और तू उसी की तरफ वापस हो जा और उसी की तरफ तू सर झुका, बस तो हो जा, खुद को जलील कर ले। उसके हुक्म की बजावरी के साथ और उसके मना किए हुए काम से बाज रहने के साथ तू ये काम कर और उसके मुकद्दरात पर सब्र और मुवाफ़त के साथ तू तवाज़ इख्तियार कर, तकब्बुर ना कर। जब यह कमाल तुझे मिल जाएगा तब तेरी बंदगी और गुलामी तेरे आका के लिए पूरी हो जाएगी और उसकी तरफ से तुझे किफ़ायत यानी काफ़ी होना नसीब होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, कि अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने खुद को काफ़ी फरमाया, तो उसी पर किफ़ायत कर। जब अल्लाह ताला के लिए तेरी गुलामी दुरुस्त हो जाएगी, वो तुझे अपना महबूब बना लेगा और अपनी मोहब्बत तेरे कल्ब में मजबूत कर देगा और उसके सबब से बग़ैर मशक्क़त व बग़ैर जस्तजू के तुझे अपना मुनिस बना देगा और तुझे उसके गैर की सोहबत अच्छी ना लगेगी, यानी तो अल्लाह ताला के गैर से दूर भागेगा। बस तो खुदा से तमाम हालतों में राज़ी हो जाएगा। अगर वह तुझ पर बावजूद फराखी ज़मीन के ज़मीन को तंग कर दे और बावजूद गुंजाइश वसअत के तेरे ऊपर दरवाज़ा बंद कर दे, तो उस पर गुस्सा ना कर और उसके गैर के करीब ना जा और उसके गैर का खाना ना खा। इस वक्त तू मूसा अलैहिस्सलाम से मिल जाएगा कि अल्लाह ताला ने उनके हक़ में फ़रमाया है, उन पर पहले ही से दूध पिलाने वाली हराम कर दी थी। हमारा रब अज़्ज़ व जल हर शय का जानने वाला है, हर शय के साथ और हर शय के करीब है। तुम अल्लाह से गायब नहीं हो सकते, मारिफत के बाद इनकार का क्या काम हो सकता है? जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाइश के लिए उन पर पहले ही दूध पिलाने वाली हराम कर दी गई थी, उसी तरह अगर तुझ पर कोई परेशानी मुश्किल आती है तो जिससे वसअत को रोक लिया जाता है, तेरे पास कोई चीज़ नहीं आती, तुझ पर अफसोस के तू खुदा को पहचानता है और उससे रुजू करता है और इनकार करता है, उससे दूर होता है, पलटता है, उससे ना पलट। तहकीक के तू कुल भलाइयों से महरूम हो जाएगा अगर तू अल्लाह से पलटेगा। उसके साथ सब्र कर और उससे सब्र ना कर, यानी अल्लाह जो तुझ पर आजमाइश डाल रहा है उस पर सब्र कर। क्या तुझे मालूम नहीं कि जिसने सब्र किया कुदरत वाला हो जाता है? और ये कैसा काम है, ये कैसी उजलत है? सोच ज़रा गौर करिए, जो तू जल्दी कर रहा है कि तुझे हर सारी नेमत मिलनी चाहिए, ये तेरी कैसी उजलत है। इंसान अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू सबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, सब्र करो और सब्र दिलाओ और दुश्मन के घात पर मुकीम रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन सब्र का अपने बंदों को सब्र की तलकीन फरमाई है। और जो दुश्मन है, ज़ाहिरी दुश्मन तो ये कुफ्फार मुशरिकीन है, और बातनी दुश्मन इंसान का अपना नफ्स और शयातीन है। और सब्र के बारे में कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं जो इस बात पर दलील है कि सब्र में क्या क्या खूबियाँ हैं, नेमतें हैं और अच्छा बदला और अताए है और दीन और दुनिया की राहत है। सब्र को तुम लाजिम पकड़ लो, तुमने उसकी खूबियाँ दुनिया और दीन की मालूम कर ली हैं, तुम ज़्यारत कबूर और सुलह की तरफ आमद रफ्त और नेक काम करने को लाजिम पकड़ लो, नेक लोगों की ज़्यारत किया करो, उनकी खबरों की ज़्यारत किया करो, यकीनन तुम्हारा काम दुरुस्त और रास्त हो जाए। तुम उस जमात से ना हो जाना कि जब उनको नसीहत की जाए तो नसीहत कबूल नहीं करते और जब सुने तो उस पर अमल नहीं करते। तुम्हारा दीन की बर्बादी चार चीज़ों से है। पहला ये कि तुम इल्म पर जिसे सीखा है अमल नहीं करते, दूसरा ये कि जिसका इल्म नहीं उस पर अमल करते हो, तीसरी ये कि जिसको तुम जानते नहीं हो उसे हासिल नहीं करते, बस जाहिल के जाहिल ही रह जाते हो, चौथा ये कि तुम दूसरों को तालीम से रोकते हो। ये सारी चीज़ें तुम्हारे इस हालत की ये सब वजूहात हैं। ऐ जमात वालों, जब तुम मजलिस ज़िक्र में आते हो तो तुम्हारी हाज़िरी सिर्फ सैर और तफरी के लिए होती है, सिर्फ इसलिए जाते हो कि बस ऐसे ही घूमने निकल गए, ऐसे ही सब जा रहे हैं तो हम भी चले गए। तुम्हारी यहाँ पर हाज़िरी इलाज की गरज से नहीं होती, और तुम वाइज के पंद व नसाए से एराज करते हो, मुँह मोड़ते हो और उसकी ख़ता व लग़्ज़िशों पर निगाह रखते हो और उसका मजाक उड़ाते हो और हंसते खेलते हो। तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ अपने सरों से मारबाजी करने वाले हो, सच्चे तौर से सर को हरकत नहीं देते। तुम उससे तौबा करो, ये जो जलसों में तुम मुंडी हिलाते हो और ये समझाना चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ समझ रहा है, हालांकि तुम्हारी समझ में कुछ ना आया, तुम ना समझे, तुम सैर व तफरीह के लिए आए थे। अल्लाह ताला के दुश्मनों से मुशाबहत ना करो और जो कुछ सुनो उससे नफ़ा हासिल करो, नसीहत हासिल करो।